एमसीयू के तीन सबसे अनोइंग मोमेंट्स। नंबर 3, तो जब विजन और व्हाइट विजन की लड़ाई हो रही होती है तो वो अपनी फ्यूजिंग पावर का यूज करता है और उसको माइंड स्टोन छूने तक नहीं देता है। तो लोगों का कहना कि इन्फिनिटी वॉर में विजन ने ऐसा क्यों नहीं किया, पर असलियत तो ये कि थैनोस के बेटे कॉर्वस ग्लेम ने विजन को इंजर्ड कर दिया था और उसके बाद से ही विजन अपनी फ्यूजिंग एबिलिटी नहीं यूज कर पा रहा था। नंबर 2, तो जब थॉर रैग्नारोक की एंडिंग में लोकी ओडिन के वॉल्ट में सर्टर का हेड इटर्नल फ्लेम में डालने के लिए आया होता है तभी उसे वहां रखा टेसरैक्ट दिखता है और वो वहां से उसको उठा लेता है और उसको एस्गार्डियन शिप पे लेके जाता है जिसके वजह से वहां पे थैनोस आ जाता है और वहां पे बहुत सारे मास किलिंग हो जाती है। नंबर 1, तो एंड गेम की वजह से हमसे टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका छिन गए। हां, मानता हूं कि मूवी बढ़िया था और हमें मजा भी आया था, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता अगर स्टार लॉर्ड ना होता। मैंटिस ने थैनोस का दिमाग कंट्रोल कर लिया था, सब हीरोज मिलकर उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाल रहे थे, लेकिन बीच में टपक पड़ता है स्टार लॉर्ड और थैनोस को ऐसा घूंसा मारता है कि वो वापस से जाग जाता है। फिर आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है। तो क्या ये आपको भी लगते हैं?